श्रेष्ठ जीवन के तीन साधन मैंने बताए, क्या बताया? एक, सबसे पहले योगाभ्यास, दूसरा श्रेष्ठ दिव्य व्रतों का अभ्यास, तीसरा 18 घंटा क्या करने का अभ्यास, पुरुषार्थ करने का अभ्यास। विद्यार्थियों को किस में पुरुषार्थ करना है बोलो? विद्या में। किसान को किस में पुरुषार्थ करना है? कलाकार को किस में पुरुषार्थ करना है? अपने कला कौशल में। अर्धसैनिक बलों को, सैनिकों को कहां पुरुषार्थ करना है? अपनी सीमाओं पर, अपनी सुरक्षा के लिए। वैज्ञानिक को किस में पुरुषार्थ करना है? अनुसंधान में। सन्यासी को किस में पुरुषार्थ करना है? आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय, आत्मा की मुक्ति के लिए। जीवन में जहां जहां जो जो दुर्बलताएं हैं, जो जो कमजोरियां हैं, जो जो पराधीनताएं हैं, जो जो दोष हैं, एक भी दुर्बलता को छोड़ना नहीं, एक एक धरातल से, जीवन के एक एक अशुभ से, एक एक कमजोरी से मुक्त होना, छूटना। छूटना किससे? कोई धरती से थोड़ी छूटोगे, धरती पर तो रहना ही है। शरीर से मुक्ति मुक्ति नहीं है, घर से मुक्ति मुक्ति नहीं है, संसार से मुक्ति है ही नहीं, संसार में ही रहना है। जीते जी भी और मोक्ष के बाद भी इसी ब्रह्मांड में रहोगे, कोई छूटेगा नहीं, कुछ भी छूटता है ही नहीं, कुछ भी। क्या छूटना है? तो फिर छूटना है अज्ञान और अज्ञान जनित दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, अशुभ से छूटना। मुक्ति, मुक्त माने छूटना। सब कहते मुक्ति पानी, मुक्ति पानी क्या है ये? मुक्ति छूटना, अशुभ से छूटना, अधर्म से छूटना, पाप से छूटना, अज्ञान और अज्ञान जनित दोषों से मुक्त होना, ये है मुक्ति, यही है जीवन मुक्ति। तो आज ही सबको मुक्त कर देते, इसमें कोई घंटों थोड़ी लगते हैं, कोई महीनों या वर्षों का वक्त थोड़ी लगता है। तुम अभी से सोच लो, मैं आज से ही मुक्त हूं और बस अब बंधना नहीं, आसक्ति में नहीं आना। दुर्बलताओं में मत आना, कमजोरियां मत आने देना, तो तुम जीवन मुक्त हो गए। तो दे दिया आज से मुक्ति का आपको आशीर्वाद। कहते हैं ना, बिना गुरु के आशीष के, बिना गुरु के अनुग्रह के, बिना गुरु के शक्तिपात के, हमारे जीवन में शुभ की, धर्म की, दिव्यता की, देवत्व के, ऋषित्व की प्रतिष्ठा नहीं होती। तो यही है, और हम एक क्षण में मुक्त हो सकते हैं, बस दोबारा से उस बंधन में पड़ना नहीं। तो गुरु जैसा हमें ज्ञान देते हैं, गुरु जिन भाव संवेदनाओं से हमें जोड़ते हैं, गुरु जैसा हमें करने के लिए, जीने के लिए कहते हैं, वैसी ही मति, भक्ति, कृति, प्रकृति और संस्कृति को स्वीकार करके मुझे आगे बढ़ना है, उसके भिन्न नहीं चलना एक क्षण भी। आओ आप भी गाओ जरा। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, एक पल दूर तुमसे हो, तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, एक पल दूर तुमसे हो, एक पल दूर तुमसे हो। बाहरों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन परम पथ के तुम्हारे अंश।
पुरुष बन जाए, बने राही परम पद के तुम्हारे, वंश बन जाए ऋषि के, वंश बन जाए ऋषि के, वंश बन जाए तुम्हारे यंत्र बन जाए। कालोस्मि लोक क्षय कित प्रवृद्ध लोकं लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृद्ध। कालोस्मि लोक क्षय कित प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। ऋतिपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनेकेषु युक्ताः। तस्मात् त्वं उतिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रोन्भोक्ष राज्यं समृद्धं। मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। मूल ज्ञान, मूल प्रेरणा, मूल सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य सब भगवान दे रहा। हम सब निमित्त मात्र है, इस भाव चेतना से जीना। एक साधन जिसमें सारे साधन आ जाते हैं। अभी तीन साधन बता रहे थे ना, योग अभ्यास, दिव्य व्रतों का अभ्यास, पुरुषार्थ का अभ्यास बोलो, या विद्यार्थियों के लिए विद्या अभ्यास बोलो, या उसको निष्काम कर्म का बोलो, निष्काम सेवा का अभ्यास बोलो, पुरुषार्थ परमार्थ का अभ्यास बोलो, एक ही बात है। योगाभ्यास, व्रताभ्यास और कर्म का, सेवा का, पुरुषार्थ का अभ्यास बोलो, जो भी अपना उत्तरदायित्व है स्वधर्म का अभ्यास बोलो, एक ही सत्य को ही अनेक रूपों से अभिव्यक्ति दी है। अब एक बड़ा सत्य, वह है सत्य है मर्यादा। क्या है बोलो? मर्यादा क्या है बोलो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, हनुमान जी महाराज की, सब महापुरुषों की जय हम बोलते हैं। ये सब महापुरुष मर्यादा में रहे, बस एक शब्द। किसकी मर्यादा? यहां से शुरू करो, स्थूल से यात्रा, शरीर की एक मर्यादा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का, हनुमान जी का, शिव जी का, कृष्ण जी का, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती गौतम कणादि जमनी पाणिनि पतंजलि किसी भी ऋषि मुनि का, किसमें जीना है? मर्यादा में। बोलो किसमें जीना है? सन्यासी की एक मर्यादा होती है, गृहस्थ की एक मर्यादा होती है, ऋषियों की संतानों की एक मर्यादा है, हम भारतवासियों के आचरण की एक मर्यादा, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की एक मर्यादा है, माँ की एक मर्यादा है, पिता की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है, शिष्य की एक मर्यादा है, पति पत्नी की एक मर्यादा है, उनसे होने वाली संतानों की एक मर्यादा है, राजनेताओं की एक मर्यादा है, अभिनेताओं की एक मर्यादा है, जवानों की, किसानों की, कर्मचारियों के, अधिकारियों की, व्यापारियों की, शिक्षकों की, चिकित्सकों की एक मर्यादा है। सारा देश यदि अपनी मर्यादा में जीने लग जाए तो फिर से इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए, देवत्व का, ऋषित्व का अवतरण हो जाए, वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा हो जाए। एक शब्द है मर्यादा। क्या है बोलो? मर्यादा। तो अब मैं इसी बात को सैकड़ों तरह से कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास शब्द सामर्थ्य भी है, मैंने शब्द शास्त्र पढ़ा है, व्याकरण शास्त्र पढ़ा है, मैंने फिर वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र ये सब भी पढ़े और आपको भी पढ़ने चाहिए, ये आवश्यक है जीवन के लिए। सुनो, एक शब्द बोला क्या? मर्यादा। क्या बोला बोलो? मेरा तन किस में रहेगा बोलो? मेरी इंद्रियां किस में रहेंगी? इंद्रियों का मर्यादा में रहना, इसी को जितेंद्रियता कहते हैं। और मेरा मन, मन में उठते हुए विचार, भाव, संवेदनाएं, वो भी किस में रहेंगी? मर्यादा में। मेरा मस्तिष्क भी मर्यादा में। ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखो। किसी भी सत्य को समझना हो तो मैं बार बार कहता हूं, उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत
उसको जानने और समझने का काम स्वयं से होना चाहिए। मस्तिष्क की एक मर्यादा अर्थात विचारों की एक मर्यादा, सुनने की एक मर्यादा। जिनको चुगली सुनने की आदत पड़ जाती है और चुगली करने की आदत पड़ जाती है, ऐसे चुगली सुनने वाले और चुगली करने वाले चुगलखोर कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दैवी संपद में क्या कहा मेरे साथ है, दैवी संपद के श्लोक तो आज सब याद कर लेना, और इस ये ही आपकी मर्यादा है। दैवी संपद ही क्या है हमारी मर्यादा, बोलो सब मेरे साथ। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजक्षमाधृतिः शौचम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मासुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। अभय कौन रहेगा? अभयम्, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, जिसने लॉ को वायलेट नहीं किया है, जिसने गुरु की वेद की भगवान की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, वो अभय रहेगा। अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता उसके अंदर रहेगी। एक सत्य से सारे सत्य सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो जो उसका धर्म है, स्वधर्म है, उसकी मर्यादा है, उसमें टिकेगा, इसको ज्ञान योग व्यवस्थित पे कहते हैं। ज्ञान और योग पूर्वक अपने कार्य में व्यवस्थित रहना, प्रतिष्ठित रहना, स्थित रहना, अवस्थित रहना, ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम, जो अपने पास है उसको बांटना। सारी सृष्टि बांट रही है, ये धरती, ये सूरज, ये सारा ब्रह्मांड, ये पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये नदियां, ये गिरिगब्बर, ये सारा अस्तित्व देने में लगा हुआ है। तो हम भी दें, दाता बने, कंजूस रहे, दानित। दानम तमस्य, और अपने शरीर इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करें। यज्ञ, बड़ों का आदर करें, बड़ों का आदर करें, बड़ों की कही हुई बात का आदर करें, शुभ का आदर करें और अशुभ का आदर ना करें, उसका अनादर करें, पाप का, अधर्म का उसका स्वीकार ना करें, उसका तिरस्कार करें, रेस्पेक्ट करें अपने बड़े बुजुर्गों का, उनकी बातों का, उनके ज्ञान का, उनके अनुभवों का आदर करें, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करें। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार जो हम स्वाध्याय कहते हैं, अपने स्वरूप में जीना, और अपने स्वरूप में जीने के लिए प्रणवादि पवित्र नामों का जप करना, नाम जप, मंत्र जप, स्वाध्याय, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय माने अपने स्वरूप में जीने के लिए जो साधन है उनका अनुष्ठान करना और अपने स्वरूप में जीना। तप, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, संघर्ष, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये होता ही है, तो फिर इसमें सम रहना। तप, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। अंतर द्वंद्व भी उठते हैं, बहुत सी तरंगे उठती हैं, बहुत से आंधी और तूफान उठते हैं, लेकिन एक सोच लिया कि मुझे धर्म के लिए ही जीना और धर्म के लिए ही, स्वधर्म के लिए ही, वेद धर्म के लिए ही मरना, और इससे इधर उधर पग नहीं धरना। बस एक बात तय होगी, एक बार फैसला हो गया, बार बार चेंज नहीं करना। दानम तमस्य,
यज्ञस्य स्वाध्याय तप, इसको तप कहते हैं। तप ऋषियों के तप और त्याग से ही, अपने बड़ों के तप और त्याग से। तप और त्याग एक ही का ही दूसरा चरण है। ऋषियों की तप त्याग तेज और मानव धर्मान की, आपको गीत सुना दे रहा, याद करो अपने पूर्वजों के इतिहास को। स्वाध्याय तप आर्ज मृत्यु तरह जीवन में अहिंसा, मन से भी किसी का अहित विचार न करना, मित्र का भी और शत्रु का भी, समा शत्रु च मित्र, उसका भी कल्याण चाहना सब प्रकार से। इसलिए भगवान राम कृष्ण आदि ने और अपने पूर्वजों ने किसी की हत्या नहीं की, उनका उद्धार किया, उसमें उनका और जगत का हित था, बाकी उनका सदा उनका शुभ चाहा, उनका कल्याण ही चाहा। अहिंसा सत्य, एक बार भी न झूठ विचार आना चाहिए, न बोलना चाहिए, न मन में आना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा सत्य। अक्रोध, क्रोध न करना, बड़ा कठिन है। कहे हम देते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ये गुस्सा ना, मैंने देखा छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है, जवानों को भी आता है, कमजोर को भी आता है, कमजोर को और ज्यादा आता है, और ताकतवर को भी आता है। अहिंसा सत्यम क्रोध। और जो गुस्सा करता है वो धार्मिक नहीं, जो गुस्सा करता है वो सन्यासी नहीं, जो गुस्सा करता है वो बाप नहीं, वो माँ नहीं, वो गुरु नहीं, वो शिष्य नहीं। ये गुस्सा वाला ही तो मामला है, गुस्से में तो पाप ही होता है और कुछ होता ही नहीं। अपने जिसमें जहर घुलता है, पहले अपने भीतर अपनी खोपड़ी में आग लगाता है, फिर दूसरों की झोपड़ियों में आग लगाता है, संसार में तबाही करता है। ओहो, क्रूरता, विध्वंस, युद्ध। ओ, अहिंसा सत्यम अक्रोध, त्याग, त्याग करना, सेक्रीफाइस सब प्रकार से, त्याग। शांति, अपैशनम, निंदा नहीं करना। किसी किसी की निंदा करने की आदत पड़ी हुई है, बड़ों की, छोटों की, इसकी उसकी, ये आदत बिल्कुल नहीं। त्याग, शांति, अपैशनम, दया भूतेषु, सब प्राणियों पर दया, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत पर पूरे अस्तित्व के प्रति दया का भाव। लव कंपैशन, दया भूतेषु, अलोलुप्तम, कोई लालच नहीं, मार्दवम, पूर्ण निरभिमानिता, सरलता, सहजता, जो शब्द बोलो, ऋजुता, अकिंचन भाव, अकिंचन हो। मार्दवम, ही शास्त्र में जो निषिद्ध कर्म है उसका एक बार भी अनुष्ठान नहीं करना, एक बार भी उस तरफ नहीं जाना, एक बार भी उसका आचरण नहीं करना। ही जो शास्त्र में निषिद्ध है कर्म है वो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, किसी भी कीमत पर नहीं करना। अचापलम, शरीर में, इंद्रियों में, मन में चंचलता नहीं, तेजस्विता के साथ जीवन जीना, तेज, विद्या में तेजस्वी, कर्म में तेजस्वी, श्रद्धा में तेजस्वी, निष्ठा में, ज्ञान में, ज्ञान शक्ति में, भाव शक्ति में, कर्म शक्ति में, मति भक्ति कृति में, प्रकृति में तेजस्विता हो, हमारे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में तेजस्विता हो, आचरण में तेजस्विता हो, हमारे कर्म में तेजस्विता हो, हमारे जीवन में तेजस्विता हो, सब प्रकार की तेजस्विता। हमें देखें तो सारा जमाना हमारे जैसा बनने की इच्छा करे, ऐसी तेजस्विता होनी चाहिए। जैसे आजकल बुरे लोगों को देख करके बुरा बनने की इच्छा हो जाती है लोगों में, ऐसे हम गुरुओं को, सन्यासियों को, ऋषियों को कोई देखे तो सारे जमाने को ऋषियों जैसा बनने की इच्छा हो, यह है तेजस्विता। तेज, क्षमा, हमारे जीवन में क्षमाशीलता होनी चाहिए, क्षमा वीरस्य भूषण, क्रोध और प्रतिशोध नहीं, बलवान होकर के बदले लेने की भावना नहीं, क्षमा बड़न को चाहिए, ऐसा बोलते हैं।
और छोटे उत्पात ना करें, छोटों को उत्पात भी नहीं चाहिए। तेज क्षमा धृति धैर्य, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, नहीं तो छोटी छोटी बातों में आदमी ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने देखा है ये सब, बहुत देखा है, बहुत देखा है। और जिंदगी के जिस पड़ाव पर मैं पहुंच चुका हूं, व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, झोपड़ियों से लेकर के महलों तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, समाज जीवन के हर क्षेत्र को मैं जी चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं धैर्य के बिना, धैर्य खो दिया तो आदमी, इसलिए धर्म का पहला लक्षण धैर्य का, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हाँ चलो, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहना तिमानिता, द्रोह नहीं करना अपने आत्मा से, द्रोह नहीं करना स्वयं से, गुरु से द्रोह नहीं करना, अपनी सनातन परंपरा से विद्रोह नहीं करना, अपने देश धर्म संस्कृति से विद्रोह नहीं करना। कहने को ऐसे बोल दिया जाता है, बोले स्वामी जी आप तो बड़े विद्रोही हो, घर से भी विद्रोह करके निकले और पाखंडियों के खिलाफ, ढोंग आडंबर के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने तो विद्रोह कर रखा। ये शब्दांतर है, ये उसका विरोध, पाप का धर्म का विरोध, उसको भी विद्रोह ऐसा कह दिया जाता है शब्दांतर से। यहाँ जो विद्रोह है गुरु से, शास्त्र से, वेद से, भगवान से, स्वधर्म से, देश धर्म संस्कृति से विद्रोह नहीं, अद्रोह, अद्रोह। नाति मानिता, अतिमानिता नहीं होनी चाहिए, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ बाकी निकृष्ट हैं, ये अतिमानिता है। मैं ही सत्य हूँ बाकी सब गलत है, मैं ही सही हूँ, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, यही तो फाइट है, राइट और रॉन्ग की तो फाइट है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। दरअसल ये समझ आने में बहुत वक्त लग जाता है। मैंने देखा है सारी दुनिया के झगड़ों की जड़ ही है, मैं सही हूँ तुम गलत, मैं ईमानदार तुम बेईमान, मैं सच्चा तुम झूठे, मैं धार्मिक तुम अधार्मिक, मैं सच्चा हिंदू मैं कट्टर हिंदू, और तुम झूठे हिंदू, मैं सच्चा ब्राह्मण तू झूठा ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय मैं सच्चा वैश्य, मैं सच्चा शूद्र। हाँ ये भी अभी ये बहुत चल रहा है मामला आजकल, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, और फिर उसके ऊपर लंबी लंबी कविताएं भेजते रहते हैं हमको लोग अलग अलग तरह से, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, और फिर उसमें तो फिर क्या वो नई नई कहानी सुनाते हैं, तो फिर तो है आप यदि उस पागलपन में पहुंच जाओ तो फिर विध्वंस के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, ये धरती हमारी है। गौर से कहो हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो हम मूल निवासी हैं, तुम सब बाहर से आए हो, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, अब इस्लाम ही कायम होगा, अब कोई काफिर नहीं बचेगा, और जो भी काफिर होगा वो कत्ल कर दिया जाएगा, गर्व से कहो कि मैं ईसाई हूँ। अब ये सब गर्व करना और अपने आप को सही मानना और बाकी को सब गलत मानना, ये तो भाई विनाश का रास्ता है। नाति मानिता, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नाति मानिता भवन्ति संबदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस दैवी संपद के साथ ही हम पैदा हुए हैं, दैवी संपद मुमुक्षाय निबंधाया सुरीमतमा सुचह संपदम दैवीम अभी जातो सी पांडव। हम दैवी संपद के साथ ही पैदा हुए, और आसुरी संपद क्या है? दंभ, दर्प, जो है नहीं उसका प्रदर्शन करना, जो है उसका भी प्रदर्शन करना, अभिमान करना, दो सबसे बड़े दोष हैं अज्ञान और अहंकार, उसी को शब्दांतर से कहा है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध, क्रोध करना, पारुष वाणी की कठोरता, ओहो हो, संस्था संगठन घर परिवार और संसार में तोड़ने वाला कोई सबसे विध्वंसक तत्व है तो क्या है? वाणी की कठोरता, टूट जाता है, हौसला ही नहीं रख पाता, क्रोध पारुष्य में जो वाणी की कठोरता, एक बार भी नहीं करना सुन लो, कुछ तो मुझको ही प्रसाद देते रहते, ले
लेकिन हम भी अब शिव बन चुके हैं। हमने कहा जो भी जहर आ रहा है सबको पीना है और सबका कल्याण ही करना है। आज आपको अभी हमने दिव्य जीवन के साधन बताते हुए योगाभ्यास कराया और ऐसे ही दिव्य जीवन के साधनों की साधना करते करते मेरे आधे से के करीब जीवन बीत चुका है। करीब मैंने इसलिए बोला कि भगवान 100 वर्ष से ज़्यादा के मुझे आयु देने वाले हैं, ये भगवान का विधान है और मैं भगवान के विधान को मानता हूँ और जैसा भगवान का विधान है वैसे ही जीता हूँ। इसलिए तच्चक्षुर देव हितम पुरस्ता चक्र मुच्चरत पश्चिम सरदा सतम, 100 साल तक मेरी आँखों से मैं इस संसार को दिव्यता की दृष्टि से देखूँगा। पश्चिम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, श्रुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अधीनाह श्याम शरदः शतम, अधीन होकर के मैं जीऊँगा सब दीन दुखियों के दर्द मिटाते हुए। ये वेद का विधान है, पवित्रेण शतायु सब पवित्रता पूर्वक मुझे 100 साल से अधिक जीना है। और मुझे खुद को ही नहीं जीना, मुझे अपने जैसे कम से कम 1000 से ज़्यादा श्रेष्ठ विद्वान तपस्वी ऋषि शिकाओं जैसे सन्यासी साधु साध्वियाँ तैयार करना है और इस संसार का उद्धार करना है, ऐसा मुझे जीना है। इसके लिए मैंने वर्षों से खूब आह्वान किया, इस बार थोड़ा कम किया। एक बात मैं कह रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, हाँ हमें अपने डायरी में भी अपने दिमाग में दिल में आत्मा में। कहते नहीं आदमी भाई एक पूरा सफल हो गया, ये कहते हैं थोड़ा कम सफल हुआ, कहते ये तो इसके तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी भी कार्य में जितना ज़्यादा हमारा ज्ञान हमारी संवेदना हमारा सामर्थ्य जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा उसमें परिणाम आएगा। ये जो कम और ज़्यादा परिणाम आते हैं, कम और ज़्यादा सफलता मिलती है हमें जीवन में, कम या अधिक विजय मिलती है, इसका कारण होता है कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में न्यूनता अल्पता थी, कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाओं में हमारे संकल्पों में हमारी भावनाओं में, कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तौर तरीकों में हमारे पुरुषार्थ में न्यूनता थी। यदि हमारे ज्ञान में हमारी संवेदनाओं में हमारे पुरुषार्थ में 100% पूर्णता होगी तो पूर्ण विजय ही मिलेगी हमें, पूर्ण विजय संकल्प।